नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 3 अंडे ले लिया है और लिया है 2 बॉयल अंडे। अंडे को मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल वाले अंडे को हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम काटेंगे। स्लाइस ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे रखेंगे। देखिए तो इसी तरीके से दूसरा अंडे भी हम काट लेंगे। दोनों अंडे को काट लिया है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम 3 अंडे तोड़ के डालेंगे। डालेंगे आधा प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके, करीब 2 चम्मच प्याज है, 1 हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। नमक डालेंगे स्वादानुसार और अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंट लिया है तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब हम ले लेंगे एक पैन। पैन में डालेंगे 2 चम्मच बटर। आप बटर की जगह ऑयल में भी बना सकते हैं। बटर को हम पहले अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। बटर हमारा जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाए हम अंडे वाला बैटर डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल लो पे रखेंगे। और जो हमने बॉयल अंडे को काट के रखा था वो डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा जगह बनाते हुए रखेंगे। डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। गैस का फ्लेम अभी भी हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। पैन को कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे मैंने चीज स्लाइस को, एक स्लाइस को मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। इस तरीके से रखेंगे। आप इसके जगह पे मोज़रेला चीज़ या सेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ की मात्रा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे आपको पसंद हो जितना। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ के स्लाइस को टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और फिर से पैन को कवर कर देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम अभी भी हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 2 मिनट बाद चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और ऑमलेट भी नीचे से अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट।
रेगुलर ऑमलेट खाके अगर आप बोर हो गए हो तो इस तरीके से आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने मनपसंद शेप में इसे काट के सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।